हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जूलॉजी क्लासेस फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक फॉर अबाउट युगलिना विरिडिस। आज हम युगलिना विरिडिस जो स्पीसीज हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लोकोमोशन इन युगलिना, यानी युगलिना में गमन किस प्रकार होता है, यानी वो जहाँ रहता है वहाँ से आगे की तरफ या और कहीं जाने के लिए जो उसमें मूवमेंट होती है वो किस प्रकार होती है, उसको आज हम लोकोमोशन इन युगलिना में उसको जानकारी देंगे। तो आइए देखते हैं, लिखा है लोकोमोशन इन युगलिना। युगलिना में गमन किस प्रकार होता है, लोकोमोशन मीन्स होता है गमन। गमन मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को कहते हैं, गति जो होती है। तो युगलिना विरिडिस जो है वो परफॉर्म्स टू डिफरेंट टाइप्स या टू डिफरेंट वेज ऑफ लोकोमोशन, यानी युगलिना अपने अपना जो गमन करने की प्रक्रिया है वो दो प्रोसेसों में, दो प्रक्रियाओं में पूर्ण करता है, जिसमें नेमली जिसमें पहली जो प्रक्रिया है वो है फ्लैजलर मूवमेंट और जो दूसरी प्रक्रिया है वो है युगलिनॉयड मूवमेंट या मेटाबॉलिक मूवमेंट। इसके बाद चलिए हम पहले देखते हैं कि युगलिना में जो लोकोमोशन की पहली प्रोसेसिंग है फ्लैजलर मूवमेंट के द्वारा, ये इसमें कैसे संपन्न होती है, कैसे युगलिना फ्लैजलर के द्वारा मूवमेंट की प्रोसेसिंग को जो है वो आगे बढ़ाता है। तो हम देखते हैं या बताया भी गया कि जो युगलिना है वो क्या है, स्विम तैरता है फ्रीली इन द वाटर, यानी युगलिना जो प्राणी है ये पानी में स्वतंत्र रूप से तैरने वाला है। अब ये स्वतंत्र रूप से तैरेगा कैसे, ना इसके हाथ है ना पैर है, तो ये आगे कैसे बढ़ेगा उस वाटर में, तो उसके लिए क्या है कि युगलिना ए सिंगल लॉन्ग फ्लैजलम इज फाउंड, यानी युगलिना की बॉडी में एक सिंगल और एक सिंगल लंबा थोड़ी लंबाई में क्या पाया जाता है, फ्लैजलम पाया जाता है। उस फ्लैजलम की सहायता से युगलिना पानी में स्वतंत्र रूप से तैरता है, तो उसी को कहा गया कि फ्लैजलर मूवमेंट। फ्लैजला के द्वारा इसमें मूवमेंट गति किस प्रकार होता है यही बताया जा रहा है। तो फ्लैजलम का काम करता है कि फ्लैजलम ही डायरेक्टेड, यानी फ्लैजलम डायरेक्टेड ऑब्लिकली, डायरेक्टेड ऑब्लिकली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। जो ये युगलिना में एक सिंगल फ्लैजलम होता है ये युगलिना को क्या करता है कि एक बार उसको पीछे की तरफ ढकेलता है, पुनः ये आगे की ओर ढकेलता है, यानी इस फ्लैजलम में जितनी मूवमेंट होगी, यानी ये फ्लैजलम है अगर इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है, ये हिल डुल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये फ्लैजलम जब इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है तो इसकी जो पोस्टीरियर पार्ट, बॉडी का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। फिर इसके बाद ये और भी मूवमेंट करता है तो इसकी पोजीशन इससे हटकर, यानी जो इस प्रकार है इससे हटकर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, यानी अब क्या हुआ कि ये युगलिना जो इस प्रकार है फिर इसमें मूवमेंट होगी, ये हिलने डुलने की कोशिश करेगा और जितने हिलेगा इसकी बॉडी उतनी टर्न होती जाएगी और टर्न होने से फिर ये इस प्रकार होगा, फिर ये आगे चलेगा, फिर ये और आगे चलेगा। तो इस प्रकार से उस फ्लैजलम में जो मूवमेंट होती है उसके द्वारा जब युगलिना गति करता है, लोकोमोशन करता है, तो उस प्रोसेस को फ्लैजलर मूवमेंट कहा जाता है। अब ये प्रक्रिया कैसी होती है, एक लैशिंग टाइप की होती है, यानी कहते हैं जो है सरक कर घूम कर इस तरह से, मतलब लगातार जो है अपनी दिशा को बदलते रहना, यानी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, दूसरी से तीसरी डायरेक्शन में, तो ये फ्लैजलर मूवमेंट के द्वारा होता है। इसीलिए युगलिना में
जो गति करने का जो पहला जो है पार्ट होता है वो फ्लैजुलर मूवमेंट होता है, फ्लैजुला के द्वारा गमन होता है, और इस फ्लैजुला के फ्लैजुला के द्वारा जितनी भी मूवमेंट की जाएगी उतनी मूवमेंट के साथ युगलीना एक स्थान से दूसरे स्थान तक उस पानी में जा सकता है। तो ये तो था फ्लैजुलर मूवमेंट। अब हम देखेंगे युगलीनॉयड मूवमेंट या मेटाबॉली। युगलीनॉयड, अब जाहिर सी बात है युगलीना के नाम से ही इसका मूवमेंट जो है जुड़ा है, तो इसको जो इसका दूसरा माध्यम होगा, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम होगा गमन करने का, ये कहलाएगा युगलीनॉयड मूवमेंट। अब इस युगलीनॉयड मूवमेंट में क्या होता है कि यहाँ फ्लैजुला था जिसमें मूवमेंट होती थी, जिसमें कुछ एक्टिविटी होती थी, जिसके द्वारा फ्लैजुला युगलीना की जो बॉडी है वो एक स्थान से दूसरे स्थान से, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन पर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है, जिसे फ्लैजुलर मूवमेंट कहा गया। अब युगलीनॉयड मूवमेंट में ये देखा गया, युगलीनॉयड जो मूवमेंट है ये जो स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है पेलिकल से, पेलिकल से। और हमने बताया था कि पेलिकल क्या है, युगलीना की बॉडी जो कवर्ड होती है बाय पेलिकल। अब पेलिकल क्या, पेलिकल का काम क्या होता है, ये युगलीना की बॉडी को शेप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है। साथ ही हमने ये बताया था कि ये पेलिकल कैसी होती है, ये होती है फ्लेक्सिबल, तंतुवत होती है, फ्लेक्सिबल रबड़ के समान खींचने वाली होती है, सिकुड़ने वाली होती है। तो ये पेलिकल के द्वारा जब युगलीना में मूवमेंट होता है, अब पेलिकल के द्वारा कैसे मूवमेंट होगा, हम अगर इसको एग्जांपल के तौर पे देखें तो एक रबर का जो ट्वाइज आता है या रबर से बने कोई जो है ऐसी जो है रबर से बने कुछ ऐसे सामान आते हैं जिसको हम देखते हैं कि उसको अगर दबाएंगे ऐसे ऐसे तो वो सिकुड़ता यानी नीचे होते चला जाएगा, और एकाएक अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो पुनः अपनी स्थिति में पहुंच जाएगा। यानी अगर हम उसको पुश करें तो वो नीचे धंसेगा तो जरूर, लेकिन फिर क्या होगा अगर उसको झटके में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा कि उछल कर फिर अपनी यथा स्थिति में आ जाएगा। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को, मान लो ये डस्टर है, इसको हमने यहाँ से ये दबाया तो ये फिसल के नीचे तो गया, साथ ही ये इतना बड़ा है तो इसकी साइज भी कुछ डिफरेंट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब छोटी होने के साथ साथ जब हम इसको अचानक में छोड़ देंगे, यानी अगर हम ये इसको यहाँ से यहाँ तक जो है पुश करेंगे और पुश करने के बाद अचानक छोड़ेंगे तो ये जो पोजीशन यहाँ थी वो उछल के कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, युगलीनॉयड मूवमेंट, जो किसके द्वारा स्टार्ट होती है, पेलिकल की फ्लेक्सिबिलिटी से स्टार्ट होती है, पेलिकल की फ्लेक्सिबिलिटी से स्टार्ट होती है। और स्टार्ट होने के नाते अब हम इसको एग्जांपल के तौर पर देख लेंगे कि मान लो ये युगलीना है, एक ऑर्गेनिज्म जो सीधा है, अब इसको युगलीनॉयड मूवमेंट करना है तो क्या काम करेगा, ये काम करेगा क्या कि अपनी बॉडी को थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक की स्थिति में इसको पुश करेगा। यानी पहले की हमने बताया लचीली है, जैसे ही अपनी बॉडी को थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेगा फिर इसके बाद क्या करेगा कि अचानक अपनी बॉडी को एक बार इसे किया तो फिर छोड़ देगा। जैसे ही अपनी बॉडी को छोड़ेगा पुश करेगा तो ये कंडीशन जो इतनी बड़ी थी, जो इतना बड़ा साइज था, वो थोड़ा सा छोटा होने लगेगा। अब थोड़ा सा छोटा होने के साथ साथ यहाँ दबाया तो जैसे ही छोड़ा इसकी बॉडी का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया, यानी और आगे बढ़ गया। अब इस आगे बढ़ने के साथ साथ फिर वो अपनी एक्टिविटी को क्या करता है कि फिर वही प्रोसेसिंग, अपनी बॉडी को थोड़ा सा पुश करता है, पुश करने के बाद एकाएक छोड़ता है, यानी वो खड़ा तो होता नहीं है, वो फ्लैट होता है, लेकिन अपनी बॉडी को जैसे ही वो धसाता है या जो है पुश करता है तो वो अचानक छोड़ता है तो आगे फिसल जाता है, फिसल कर जो यह डायरेक्शन में था वो अगली डायरेक्शन में पहुंच गया। फिर अपनी बॉडी क्या करता है, थोड़ा सिकुड़ता है, अचानक छोड़ता है, फिर अगली पोजीशन में पहुंच जाता है, फिर क्या काम करता है, अब वो अपनी बॉडी को धीरे धीरे पुश करता जाएगा और इतना पुश करेगा और आगे बढ़ने के लिए
कुछ ज्यादा आगे बढ़ने के लिए पुश करेगा, तो जितने ज्यादा अपनी बॉडी को पुश करेगा उसकी बॉडी उतनी छोटी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही बहुत छोटी कंडीशन में अगर वो छोड़ेगा तो अब जो आगे बढ़ने की प्रोसेसिंग है वो और तेज हो जाएगी, और आगे हो जाने के बाद पुनः वो अपनी स्थिति में वापस आ जाएगा। इस प्रक्रिया को युग्लिनॉइड मूवमेंट कहा जाता है। तो हमने देखा कि युग्लिना में दो प्रकार से गमन होता है, पहला होता है फ्लैजुलर मूवमेंट, दूसरा होता है युग्लिनॉइड मूवमेंट। फ्लैजुलर मूवमेंट में फ्लैजुला की एक्टिविटी के द्वारा ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, और युग्लिनॉइड मूवमेंट में देखा कि जो इसकी बॉडी जो पेल्किल से ढकी हुई है, पेल्किल के कारण जो इसका शेप हुआ है उसमें कुछ जो है दबाव के कारण, प्लास्टिक वेव के कारण जो पुश करने की प्रक्रिया अपनाता है, उस पुश करने की प्रक्रिया के साथ साथ ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है, इसको क्या कहते हैं, युग्लिनॉइड मूवमेंट। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।